हमारे हिमालयन गोद में ऑर्गेनिक फार्मिंग पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी संभावना वाली जगह मैं देखता हूं। सिक्किम छोटा सा प्रदेश है, 6-7 लाख की आबादी है, लेकिन 12-15 लाख टूरिस्ट आते हैं और वहां जाने आने के रास्तों की भी कठिनाई है, हवाई अड्डा भी नहीं है। अब मैं बना रहा हूं, बन जाएगा कुछ समय में, उसके बावजूद भी इतनी मात्रा में टूरिस्ट आते हैं। सिक्किम ने पूरा राज्य ऑर्गेनिक बनाया है, 10-12 साल तक लगातार अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ उन्होंने काम किया। सारे हिमालय की गोद में केमिकल फर्टिलाइजर से मुक्ति, सारे हिमालयन राज्यों में दवाइयों से छुट्टी, वनस्पति की दवाइयां, खेत के अंदर दवाइयों का छंटकाव बंद। अगर 10-12 साल धैर्य से काम करें तो जिस हमारी पैदावार से 1 रुपया मिलता है, दुनिया आपको 1 डॉलर देने के लिए तैयार हो जाएगी। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग की ताकत होती है। मैं उत्तराखंड को निमंत्रण देता हूं, उत्तराखंड की सरकार को आग्रह करता हूं, मैं उत्तराखंड के अफसरान से आग्रह करता हूं कि बीड़ा उठाइए, उत्तराखंड को ऑर्गेनिक स्टेट बनाने का सपना लेकर के चलें। 2022 का लक्ष्य हो और अभी से काम लगे, सर्टिफाई करने में शायद 10 साल लग जाएंगे, उसके नियम होते हैं, लेकिन अगर एक बार तय कर ले कि लोगों की जन जागृति लाएंगे, चीजें बदलेंगे, आप कल्पना कर सकते हैं, आज पूरी दुनिया होलिस्टिक हेल्थ केयर की ओर चल रही है और तब जाकर के केमिकल की दुनिया से दूर हमारे खेत उत्पादन को ले जाएंगे तो हम मानव जात की कितनी बड़ी सेवा करेंगे। हिमालय की ये ताकत, इसको मुझे आगे बढ़ाना है।